नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। चेन्नई में बारिश का कहर, बिजली ठप, एयरपोर्ट बंद। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई समेत कई हिस्सों में भारी बारिश ने कोहराम मचा दिया। कुदरत के कहर से चेन्नई के एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा। एयरपोर्ट पर 700 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। चेन्नई जाने वाली उड़ानें हैदराबाद और बेंगलोर डायवर्ट की गई है। बारिश की वजह से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। 31 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया जबकि 11 का रास्ता बदल गया। बुधवार के दिन भी तमिलनाडु के कई शहरों में बारिश की संभावनाएं जताई गई है। नवंबर में चेन्नई में 1218 मिलीमीटर वर्षा हुई जिसने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। निचले इलाकों में राहत के लिए सेना की मदद ली जा रही है। चीन की हवा में जहर फैला, ऑरेंज अलर्ट जारी। जहां एक तरफ दुनिया के दिग्गज देश पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर मंथन करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर चेन्नई से चीन तक मौसम ने जबरदस्त करवट बदली है। चेन्नई में जहां बाढ़ ने लोगों की जिंदगी हलकान कर दी है, वहीं दूसरी तरफ चीन ने तो अपने देश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी बीजिंग की हवा में इतना ज्यादा जहर फैल गया है कि यहां पर लोगों को अपने घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। एक तरह से चीन तरक्की की कीमत चुका रहा है क्योंकि यहाँ कार कारखाने इतना प्रदूषण फैला रहे हैं कि हवा भी जहरीली हो गई है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग बने बेटी के पिता। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग एक नन्ही परी के पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी प्रिसिला ने बेटी को जन्म दिया है। बेटी के जन्म की जानकारी खुद जुकरबर्ग ने फेसबुक पर देते हुए लिखा कि इस संसार में अपनी बेटी मैक्स का स्वागत करते हुए मैं और प्रिसिला बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर वातावरण देने और विश्व में सुधार के लिए हम फेसबुक के 99% शेयर देंगे। जुकरबर्ग ने अपनी बेटी को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि तुम्हारी माँ और मेरे पास खुशी बयां करने के लिए शब्द नहीं, जो उम्मीदें तुमने हमारे भविष्य के लिए जगाई है। तुम्हारी जिंदगी तमाम वादों से भरी है और हम उम्मीद करते हैं कि तुम स्वस्थ रहो और इस दुनिया को देखो।